का पत्र था और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है पत्र के जरिए। और चलिए आपको सुनवाते हैं कि इस पत्र के बाद एनडीए नेताओं का क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रहा है। अरे जो चोरी करेगा उसको डरना होगा। इस देश में जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलत फहमी में मत रहिए कि सीना जोड़ करके कि हम जो कहे वही सही है। तो ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है, इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन के बदले नौकरी दिया। तो चोरी करने वाले को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कल बिहार की जनता को बहुत साफ तौर पे कहा है कि जिन लोगों ने नौकरी के बदला जमीन लिया है वो बक्से नहीं जाएंगे और कानून के नजरों में भी नहीं बक्से जाएंगे और जनता की नजरों में भी नहीं बक्से जाएंगे। और अभी चुनाव चल रहा है, अभी जनता की नज़र में वो चढ़े हुए हैं और जनता बहुत बढ़िया तरीके से राष्ट्रीय जनता दल को 6 चरण में जवाब दे चुकी है। 7वां चरण जो बचा है उसमें भी और बढ़िया से जवाब देगी जनता। इस बात के लिए इंडी गठबंधन के लोग निश्चिंत रहें। ये कोई नई बात नहीं है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है, चार्जशीट फाइल हुआ है। वो जो कात्याल को जमानत डिनाई हुआ उसका ऑर्डर पढ़ लीजिए। तो ये तो मैटर कोर्ट में है ना, ये तो ओपन एंड शट केस है कि जमीन लिया गया नौकरी के बदले, ये तो सामने में है। कोर्ट डिसाइड करेगा उसमें क्या करना है। उसी केस के बारे में ना बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी कि जमीन के बदले नौकरी जो दिया गया, तो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वही केस है ना, केस तो सामने में। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप पत्र लिखते हैं ना, विश्वास नहीं होता, ये तो लगता है किसी से लिखवाया गया है। और आप तो पारिवारिक आरक्षण के पक्षधर हैं, आपको आरक्षण से क्या लेना देना। अरे भाई, जिसको पटना 43 बीघा जमीन हो वो पत्र लिखे और आरक्षण की बात करे तो जाति सर्वे की रिपोर्ट से आपके संपत्ति सर्वे के भी नतीजे निकल कर आए हैं, जो राजनीति में आपका गला का घेघ बन जाएगा। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर का आपके पिता ने सार्वजनिक अपमान किया, आप इस बात के गवाह हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश के अंदर नजीर पेश किया कि समाज के सारे तबकों की सामाजिक आर्थिक हैसियत की गणना करवाई और आपके माँ पिता तो केवल आपकी हैसियत बढ़ा रहे थे। इसलिए